देश में कोरोना वायरस का कहर दिन ब दिन कम होता जा रहा है। जहां रोजाना देश में लाखों नए मामले दर्ज किए जा रहे थे, वहीं अब इसका ग्राफ नीचे आ रहा है। स्थिति को बेहतर होता देख सरकार अब धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से पाबंदियां हटाने लगी है। कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट रही राजधानी दिल्ली में भी कोरोना संकट अब बेहद कम हो गया है। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले अब काफी कम हो गए हैं। इसके मद्देनजर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि DDMA ने शहर में लगे कोरोना पाबंदियों को वापस ले लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि 1 अप्रैल से स्कूल अब पूरी तरह से ऑफलाइन काम करेंगे। दिल्ली वालों के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर ये है कि सोमवार से राजधानी में नाइट कर्फ्यू भी हट जाएगा। इसी के साथ साथ सभी कोरोना पाबंदियां हट जाएंगी। बसों और मेट्रो में खड़े होकर लोग सफर कर सकेंगे। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, DDMA ने सभी पाबंदियों को वापस ले लिया है क्योंकि लोगों को नौकरियों के नुकसान के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। केजरीवाल ने बताया कि अब मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा और सभी को कोरोना के उचित व्यवहार का पालन करने की बात भी कही। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में बीते दिन 500 के करीब नए मामले सामने आए और फिलहाल 2200 एक्टिव केसेस हैं। राजधानी में संक्रमण दर 1.10% है। वहीं देश में इस वक्त 1,34,000 कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। आई एम सुपर।